नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 1038 नए मरीज, 3 की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में धीरे धीरे कमी आ रही है, हालांकि हर दिन कोरोना से मौत हो रही है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। मृतकों में धनबाद से 2 और पूर्वी सिंहभूम में 1 संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 5300 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 1038 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7743 पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 3675 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो है सिमडेगा में 234 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा रांची में 192 और पूर्वी सिंहभूम में 211 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सभी जिलों में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 100 से कम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शीतलहर और ठंड के बीच फिर छाएंगे बादल। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में जहां कोल्ड वेव लगातार जारी है, वहीं 1 फरवरी तक मौसम के शुष्क रहने और खिली धूप के साथ आसमान के साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 3 और 4 फरवरी को अमूमन राज्य के सभी हिस्सों में सामान्य बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में कुछ खास बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। रांची में भी तापमान का पारा लगातार बदल रहा है। सुबह ठंडी हवाओं के बहने से न्यूनतम तापमान में गिरावट होती है तो दोपहर खिली धूप में तापमान का पारा चढ़ने लगता है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो मंत्री जी का दिल कमजोर, विल पावर नहीं, हड़का कर दूर किया बिजली संकट, स्कूल खोलने को लिया निर्णय। झारखंड के शिक्षा मंत्री और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगन्नाथ महतो इन दिनों राज्य की राजनीति में खूब चर्चा में है। महतो ने एक झटके में झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जिले में बिजली संकट को हल कर दिया है। पहले बोकारो में डीवीसी के अधिकारियों को बुलाकर हड़काया, इसके बाद रांची में झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों और डीवीसी के बीच बैठक कराई। बैठक के बाद डीवीसी ने झारखंड में बिजली कटौती बंद कर दिया है। अब मंत्री का ध्यान शिक्षा पर है। उन्होंने कोरोना काल के बाद बंद पहली से 12वीं तक के स्कूलों को फरवरी महीने से चालू करने की तैयारी कर ली है। इस बाबत उन्होंने निर्णय ले लिया है। झारखंड कोरोना संक्रमण की वजह से बंद स्कूलों को खोलने की क्यावत शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो स्वयं इसके लिए पहल कर रहे हैं। उम्मीद है कि राज्य में पहली से 12वीं तक के स्कूल फरवरी से खुलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो बोकारो, रांची, हजारीबाग, धनबाद सहित 24 जिलों में बंपर भर्तियां। झारखंड के 24 जिलों में बंपर भर्तियां होने वाली है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है। जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें, इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर के 10 पद, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट के 23 और ब्लॉक अकाउंट्स ऑफिसर के 33 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होनी चाहिए। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार JSLPS की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। इसके लिए आप www.jslps.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मोराबादी मैदान में दुकानदारों का विरोध जारी। सीएम हेमंत से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करेंगे बात। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाए जाने का विरोध जारी है। मैदान क्षेत्र में लगाने वाले दुकानदार सड़क पर हैं, वहीं जिला प्रशासन किसी भी सूरत में यहां दुकान नहीं लगाने देने को आमदा है। इधर यहां के दुकानदार मेयर आशा लकड़ा से लेकर कांग्रेस नेताओं के पास तक गुहार लगाने पहुंचे हैं। मेयर आशा लकड़ा ने जहां इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, वहीं झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इस आदेश को गलत बताते हुए सीएम हेमंत सोरेन से बात करने को कही है। मालूम हो कि गत 27 जनवरी को हुए गैंगवार के बाद जिला प्रशासन और रांची नगर निगम ने मोराबादी मैदान के समीप ठेला खोमचा लगाने वाले दुकानदारों को जगह खाली करने का आदेश जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करो, पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में बोकारो में 51 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा चतरा में 25, देवघर में 19, धनबाद में 20, दुमका में 65, पूर्वी सिंहभूम में 211, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 58, गुमला में 18, हजारीबाग में 11 और जामताड़ा में 1 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा खूंटी में 16, कोडरमा में 14, लातेहार में 20, लोहरदगा में 2, पाकुड़ में 10, पलामू में 10, रामगढ़ में 4, रांची में 192, साहिबगंज में 16, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 234 और पश्चिमी सिंहभूम में 15 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म जमा करने का एक और मौका। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 समय जैक द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी बोर्ड परीक्षाओं के पंजीयन और परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए परीक्षार्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को फॉर्म जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा। इसे लेकर सोमवार को जैक पत्र जारी करेगा। यह फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका होगा। वर्ष 2023 का पंजीयन फॉर्म जमा करने का भी मौका मिलेगा। कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी भी परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। ज्ञात हो कि मैट्रिक इंटर के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि नवंबर में समाप्त हो गई थी, जबकि कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षाएं के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 11 जनवरी को समाप्त हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करो, चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कंदाबार गाँव में छापेमारी के दौरान 250 पेटी शराब बरामद। अरुणाचल प्रदेश का लगा स्टिकर, बिहार में होने वाली थी सप्लाई। शराब तस्करी के खिलाफ चतरा जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना पुलिस ने कंदाबार नामक गांव में छापेमारी की है। इस दौरान वैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को करीब 250 पेटी शराब मिली है। शराब की बोतलों पर अरुणाचल प्रदेश का स्टिकर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि इन शराब की बोतलों को बिहार की गया और औरंगाबाद जिले में भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध शराब को गांव के एक घर में स्टॉक कर रखा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करो, गुमला के बसिया में पेड़ से लटकते मिली लाश। मजदूरी का काम करता था 19 वर्षीय युवक, माता पिता की हो गई थी मौत। गुमला में युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया है। मामला बसिया थाना क्षेत्र के खडगा टोली बगीचे का है। मरने वाले युवक की पहचान बिमल साहू उर्फ दुखू के रूप में की गई है। उसकी उम्र 19 वर्ष थी। युवक के जन्म के 6 माह के अंदर ही माता पिता की मौत हो गई थी। दादी धुंधी देवी ने युवक का पालन पोषण कर बड़ा किया था। बुढ़ापे में इकलौता सहारा अचानक साथ छोड़कर चल गया है। युवक की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, गिरिडीह के देवरी में 3 घरों में चोरी। देर रात घटना को दिया गया अंजाम। आभूषण और पैसे ले गए। 200 मीटर दूर मिले बक्से। गिरिडीह के देवरी इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। थाना क्षेत्र के परसाटां टोला पतरवा में शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 घरों में चोरी की है। करीब 2.5 लाख से अधिक के सामान अपने साथ ले गए हैं। चोरी किए गए बक्से व बैग घर से 200 मीटर दूर खेत में मिले हैं। रविवार को मामले की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि अपराधी खिड़की और दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसे। सभी घरों से पैसे, आभूषण और बर्तन की चोरी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, दूसरे राज्यों के 8,648 अभ्यर्थी नियुक्ति से होंगे बाहर। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में सफल दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी अब झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य में अब तक 2 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। इन परीक्षाओं में सफल लगभग 8,648 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो झारखंड के नहीं हैं। इन्होंने आवेदन में अपना पता झारखंड से बाहर के राज्यों का दिया है। वहीं इनकी मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई भी दूसरे राज्यों से हुई है। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल हैं। राज्य में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनारक्षित वर्ग में झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में कक्षा 1 से 8 के छात्रों की परीक्षा पर इस बार भी संशय। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 35 लाख बच्चों की वार्षिक परीक्षा इस बार भी संशय है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी कक्षा 1 से 5 के स्कूल नहीं खुल पाए हैं। वहीं संसाधनों के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि पिछले 2 वर्षों की तरह इस बार भी बिना परीक्षा के बच्चे अगली कक्षा
में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे या फिर राज्य सरकार परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई विकल्प तलाशेगी। सरकारी स्कूलों में पिछले साल भी कक्षा 1 से 7 की वार्षिक परीक्षा ना तो ऑफलाइन आयोजित की जा सकी थी और ना ही ऑनलाइन। वही पिछले साल 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी नहीं हो पाई थी। इस बार यदि स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलती है तो शेष समय में ही बच्चों की पढ़ाई कर बच्चों की परीक्षा ली जा सकती है। स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं मिलने पर शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के घर पर ही प्रश्न पत्र भेज कर हल कराए जा सकते हैं। यह प्रयोग पिछले साल जो है समेटिव असेसमेंट 1 में किया गया था, हालांकि इसका जो अपेक्षित परिणाम नहीं आ सका था। फिलहाल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में इसे लेकर मंथन चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो, देवघर में फुलेश्वर पंडित हत्याकांड का खुलासा। दामाद ने 2 सालियों और साले की पत्नी से बनाया अवैध संबंध, ससुराल वालों ने मिलकर की हत्या। देवघर के जसीडी में हुए फुलेश्वर पंडित हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में फुलेश्वर पंडित की सास रुकवा देवी और साली मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हत्या में शामिल 5 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी करने में जुटी है। बीते 18 जनवरी को बरवसिया गांव निवासी फुलेश्वर पंडित की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि मरने वाला व्यक्ति अपने ससुराल में रहकर मजदूरी का काम करता था। घर के दामाद ने 2 सालियों और साली की पत्नी से जबरन अवैध संबंध बनाया है। वह इसके लिए जबरन परिवार के लोगों पर दबाव डाल रहा था। इससे पूरा परिवार नाराज था। परेशान होकर ससुराल के लोगों ने दामाद की हत्या कर दी। सभी सदस्यों ने मिलकर शव को नदी में फेंक दिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।